हाय, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो, अरे यार हिंदी, इस वीडियो पे हम बात करेंगे अबाउट एंड्रॉयड डिवाइसेस और एप्पल डिवाइसेस के बारे में। दोनों ही डिवाइसेस अपनी जगह पे बेस्ट है, पर डिपेंड करता है कि हम उस डिवाइस के लिए क्या पे करने जा रहे हैं। गूगल के स्मार्टफोन्स और एप्पल के स्मार्टफोन परचेस करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, बट फिर भी हार्डवेयर के केसेस पे कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिलती है एप्पल के हैंडसेट पे। और दूसरी बात कि एप्पल की रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है इनकी नई। और द थर्ड वन एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और एप्पल की जो iOS है वो ओपन सोर्स नहीं है, तो उसके लिए हमें पे करनी पड़ती है, इसके लिए पे नहीं करनी पड़ती। सो इस वजह से कुछ कॉस्ट के इफ़ेक्ट भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, iOS स्पेशली 2 या 4 डिवाइसेस के लिए बनी होती है, इसलिए वो परफेक्ट होती है। और उसमें सारे हार्डवेयर भी स्पेशली एक ही सॉफ्टवेयर के लिए बनाई जाती है, उस वजह से भी वो एप्लीकेशंस या वो सॉरी वो OS बहुत अच्छी रन करती है। और नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, एप्पल के एप्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मैंने खुद यूज़ करी है एप्पल। अगर यूट्यूब ऐप ही एप्पल में यूज़ करी जाए और एंड्रॉयड हैंडसेट में, दोनों में बहुत डिफरेंट है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इसमें है ही नहीं, और कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो है या होते हैं या है भी जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए ही है, या फिर वो पहले एप्पल के लिए लॉन्च होते हैं फिर एंड्रॉयड के लिए आते हैं। सो मुझे लगता है कि एप्पल ही बेस्ट है, वैसे भी नंबर वन कंपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।